टेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आइए एकदम कमाल की तड़के वाली गर्मा गर्म खबरें आपके सामने हाजिर है हमेशा की तरह। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। बड़ा ही मजा आने वाला है, फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं ASUS से। ASUS ROG Phone 7, जी हाँ सही सुन रहे हो, ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होने वाला है 13 अप्रैल को। और ये जो स्मार्टफोन है जिसमें कहा जा रहा है कि Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट की भयंकर ताकत देखने को मिल जाएगी, 6000 mAh बैटरी, 65 वाट फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आएगा। वैसे ASUS की जो ROG Phone सीरीज होती है वो काफी बेहतरीन होती है गेमर्स के लिए। जी हाँ, इस बार कहा जा रहा है कि कैमरे पे भी इतना ही ज्यादा फोकस किया है। अब देखते हैं कि भाई ये जो स्मार्टफोन है किस कीमत पे लॉन्च किया जाता है, इस बात का इंतजार है। iQOO की बात करते हैं, iQOO Z7X भाई, जिस स्मार्टफोन जिसके लिए अगर आप रुके हुए हो तो फिर बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है ये स्मार्टफोन, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है जिसको सिरिम सर्विसेशन मिल चुका है मलेशिया में, तो ये काफी बेहतरीन बात है। बहुत ही जल्दी ये जो स्मार्टफोन है वो ग्लोबली लॉन्च हो सकता है। अब देखते हैं कि भाई ये जो स्मार्टफोन कितना ही जल्दी देखने को मिल जाता है, किस कीमत पे, किस पैक से साथ, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, गर्मियों का मौसम आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, और यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। भाई अगर आपके पास है पुराना एसी, तो आप अगर नया एसी लेने के लिए सोच रहे हो तो आप पुराना एसी एक्सचेंज कर पाओगे। एक्सचेंज एसी का प्रोग्राम लेके आ चुका है फ्लिपकार्ट, तो ये काफी बेहतरीन बात है। स्मार्टफोन में तो था ही पर अब एसी में भी आ ही चुका है, तो ये काफी बेहतरीन अनाउंसमेंट की गई है फ्लिपकार्ट की ओर। सब देखते हैं कि कितनी जल्दी से इम्प्लीमेंट किया जाता है, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, 5G की जो सर्विसेस है इसका जो काम है ना वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। लग रहा है इस साल के अंत तक हर एक जगह पर हमें 5G सर्विसेज देखने को मिल जाएगी। पर हमारे जो माननीय PM है नरेंद्र मोदी जी, जिनका विजन है कि भारत विजन 6G, जिस पर आने वाले कुछ ही महीनों में काम होना शुरू हो जाएगा और आने वाले कुछ साल में हमें 6G देखने को मिल सकता है भारत में। और एक बेहतरीन बात बता दूं कि भारत एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां पे सबसे फास्टेस्ट 5G को रोल आउट किया जा रहा है सभी जगह पे। जी हां, सैमसंग की बात करते हुए सैमसंग गैलेक्सी टैब S9, ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक हमें कभी भी देखने को मिल सकता है। और ये जो टैब आएगा जिसमें कहा जा रहा है भाई सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 से भी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी। कहा जा रहा है कि टैब S9 में हमें 8160 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। अब देखते हैं कि सैमसंग का ये नया टैब S9 हमें कितना ही जल्दी, किस कीमत पे, किस पैक्स में हमें देखने को मिल जाता है, इस बात का इंतजार है। जी हां, रेडमी की बात करते हैं, रेडमी 12C जिसका जो इंडियन वेरिएंट है वो स्पॉट किया जा चुका है गूगल सपोर्टेड डिवाइस लिस्ट में, जिसका कोड नेम रखा गया है अर्थ। और ये जो स्मार्टफोन है कहा जा रहा है बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है। जी हाँ, अब देखते हैं कि भाई ये जो स्मार्टफोन है कितना ही जल्दी, किस कीमत पे, किस पैक से साथ लॉन्च किया जाता है, इस बात का इंतजार है। काम के दिल की बात करते हैं, अगर आपको चाहिए एक बहुत ही बेहतरीन टीवी, स्मार्ट टीवी, वो भी कम कीमत में, वो भी बेहतरीन ब्रांड का, तो ये जो डील आपके लिए काम की होने वाली है। OnePlus की तरफ से OnePlus का 32 इंच का स्मार्ट टीवी फिलहाल बहुत ही बेहतरीन कीमत में अभी आपको Amazon पर देखने को मिल जा रहा है। और यही स्मार्ट टीवी के अगर कुछ पैक्स के बारे में बात की जाए तो भी 32 इंच का ये टीवी है जिसमें हमें HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये एक एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है। जी हाँ, गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 20 वाट का स्पीकर आउटपुट मिल जाता है विद डॉल्बी ऑडियो, तो ये काफी बेहतरीन बात है। पूरी तरीके से बेजललेस डिजाइन दी गई है, क्रोमकास्ट बिल्ट इन दिया गया है जिसमें हमें 64 बिट का एक पावरफुल प्रोसेसर भी मिल जाता है, जिससे कोई लैग सेटअप वगैरह नहीं होगा टीवी, तो ये काफी बेहतरीन बात है। और यही टीवी की अगर कीमत की बात की जाए तो ये अभी आपको Amazon पर देखने को मिल जा रहा है 11,999 रुपए में। और इसमें अगर आप कुछ कार्ड वगैरह ऑफर्स लगा देते हो तो 1,000 रुपीज का आपको फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जिससे इफेक्टिव प्राइस निकल के आ जाएगी 10,999 रुपए। काफी बेहतरीन डील है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं, काउंटर स्ट्राइक ये गेम मोस्टली सभी ने खेली होगी। भाई ये गेम का सक्सेसर आ रहा है काउंटर स्ट्राइक 2 और बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक्स हो गए इस बार ऐसा कहा जा रहा है। विजुअल इफेक्ट्स काफी बेहतरीन होगी, मैप्स जो है वो इन्हांस हो गए। और ये जो गेम है वो कहा जा रहा है कि PC पर, Xbox, PS4, PS5 सभी जगह पर हमें देखने को मिल जाएगी। और ये जो गेम है वो कहा जा रहा है कि भाई समर 2023 में लॉन्च होती है कभी भी, यानी आने वाले 2-3 महीने में देखने को मिल सकती है। काफी बेहतरीन बात है। और आप हमें ये बताएं कि आपने कभी भी काउंटर स्ट्राइक गेम जो खेली है या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर से बताएं। तो बस आज की टेक्निक पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर जरूर से नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।